आप देख रहे हैं अपना समाचार। हमला हुआ था, आपने कोई आपको जानकारी मिली थी क्या? हाँ, उस समय मैं बाहर थी, मुझे जानकारी जब तक मिली तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। मैंने केसारी जी से बात करी, उनसे पूछा, बड़ा दुख हुआ ये जान करके कि उनके साथ ये हुआ है। अगर जिसने भी अगर करवाया है इंटेंशनली, तो मैं यही बोलूँगी, अगर आप अश्लीलता का विरोध कर रहे हैं तो ये सही तरीका नहीं है। कोर्ट है हमारी, इंडिया में रूल्स हैं, और जब औरतों के लिए इतने सारे से रूल्स ये कानून बने हैं जिनको फॉलो करके लोग अपने आप को सेफ करते हैं, तो प्लीज़ आप ऐसे मीन्स लाइक किसी को फिज़िकली डैमेज मत करिए, किसी पर पत्थर मत मारिए, किसी पर हाथ मत उठाइए, किसी को मारने से कुछ भी नहीं होने वाला है। और जिसके अगर आपको एक बंदा आपका टारगेट था, अगर वो टारगेट के साथ साथ और निर्दोष जनता पर हमला हुआ, उनको चोट लगी, तो ये गलत है। कहीं ना कहीं आप भी उस चीज़ को रोकने के लिए वही काम कर रहे हैं जिसका आप विरोध कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप सही तरीका आप अपना सकते हैं, ये तरीका गलत है। आप दबंग हीरोइन हैं, आपके ऊपर भी हो सकता है कुछ? हाँ, मैं दबंग हीरोइन हूँ, फिलहाल मैं इतनी प्यारी हूँ कि कोई मुझे मारने के बारे में तो कभी सोच ही नहीं सकता। कैसी बातें कर रहे हो आप? काजल लगवानी जी कुछ पूछ रहे हैं, दिवाली उनको शुभकामना भी दे दीजिए। काजल जी को भी भाई, हमारी दबंग सरकार में उन्होंने दो दो आइटम सॉन्ग करे, अभी उनकी बलम जी आई लव यू आ रही है, तो डेफिनेटली मैं उनको ढेर सारी सी बधाइयाँ देना चाहूँगी। हैप्पी दिवाली, खूब सुंदर सी दिवाली सेलिब्रेट करिए, ढेर सारा सा उजाला कीजिए और अच्छे से दिवाली।